अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। बठिंडा में भी ईद की खूब देखने को मिली। इस अवसर पर बठिंडा की ईदगाह में मुस्लिम भाईचारे के हजारों लोग हुए और पवित्र ईदगाह में नवाज अदा की और एक को ईद की गले मिलकर बधाइयां दी। इस अवसर पर धर्मोड़ के लोगों ने भी शिरकत कर मुस्लिम भाईचारे के लोगों को ईद की बधाई दी। लोगों में ईद को लेकर उत्साह देखते ही बनता। इस ईद के मौके पे अज असी 30 रोजे रख के यह ईद मना रहे हैं। यह भुखा भाणा तय रह के 3:30 उठ के असी रोजे रखते होंगे सी। रोजे रख के शाम 7:30 रोजा तैयारी होंगी सी। यह खुशी का मौका साढ़ा 30 दिन बाद आया। इस खुशी के मौके पर असी एक दूजे नाल गले मिलते हैं तो असी सारा मुबारकबाद दें। इस शुभ दिहाड़े से साडा देश हरिया फुलिया रहे ते देश तरक्की अमन शांति बनी रहे साडे देश ते साडा देश रात दुपरी तरक्की करता रहे। इस शुभ दिहाड़े ते सारयां नूं ईद दी मुबारक। अज सब तो पहले तो पूरे वर्ल्ड दे विच ईद दीआं लख लख मुबारक और सारे मुस्लिम भाईचारे ने इत्थे ईदगाह विच बठिंडा दी ईदगाह विच बहुत ही शान शौकत नाल जिहड़ा त्यौहार मनाया गया। ये आपसी भाईचारक सांझ का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं और खुशी बहुत ही मतलब गले लग के खुशी अज हुई है। एक मैं ये मैसेज देना चाहना कि जोड़ा कल एक श्रीनगर के साडे पत्रकार वीर की हत्या हुई है उसकी सारा समाज असी निखेधी करते हैं क्योंकि बहुत ही वड्डी जिहड़ी घरौनी हरकत की है। एक जिहड़ा चौथा थंब मन्निया गया प्रेस इस नूं दबाउण की कोशिश की गई है उसकी असं सख्त शब्द निखेधी करते हैं। जिस तरह सेवियां होंगी मिठी हुई होंगी ये जिस तरह सेवियां होंगे पकवान हलवा होंगे है इस तरह ही ये इतनी मिठी ईद मनाई जाती है। मुस्लिम वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं तमाम हिंदुस्तान के वासिंदों को आज ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ और हम ये खुशी सबके साथ मिल करके साझा बांटते हैं और इसकी खुशी हम अपने हिंदू भाइयों के साथ सिख भाइयों के साथ और सभी तमाम हजरात के साथ में हम इसको बांटना चाहते हैं और हम चाहते हैं अमन शांति हो हमारे देश में और ईद की खुशियाँ सबके घर में पहुँचे। बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।